नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, पैरामेडिकल की जॉब वैकेंसी का अपडेट एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैब टेक्नीशियन एवं काउंसलर के पदों के बारे में, जो कि यह वैकेंसी आपके नाको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर पद के बारे में। तो फर्स्ट पोस्ट है यहाँ पे काउंसलर की, यहाँ पर देखेंगे पोस्ट सेक्शन बाई नाको के द्वारा एक पोस्ट सेंशन की गई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, यानी कि यह जो वैकेंसी है यहाँ पे कहाँ कहाँ पर ये पोस्ट खाली हैं, यानी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में या फिर कौन कौन से हॉस्पिटल में यह वैकेंसी ओपन है। देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट भोपाल में 3 पोस्ट हैं काउंसलर की। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड लेडी हॉस्पिटल सुल्तानिया, डॉक्टर के एन काटजू हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरैना में एक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दतिया एक सीट है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंगरौली में एक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं ये आपके डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेतन की। तो यहाँ पे एक मुश्त राशि आपको 21,000 रुपये पर मंथ आपका वेतन रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भोपाल एक पोस्ट है। ठीक है, यह जो वैकेंसी है आपके मेडिकल कॉलेज भोपाल में ही एक पोस्ट ओपन है लैब टेक्नीशियन की। वेतन सेम है, 21,000 रुपये आपका मासिक वेतन है। अब हम बात कर लेते हैं कि आवेदन आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके डाक के माध्यम से या फिर व्यक्तिगत रूप से आपको ऑफिस में जाके आपको जमा करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 15 दिसंबर 2022 शाम को 6 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पद हैं वो कौन से किस हॉस्पिटल में हैं एवं किस कैटेगरी के हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जिला एवं DSRC का नाम, एंड यहाँ पर देखेंगे ये सभी आपके सैंक्शन हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर सीट वैकेंट हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल, डॉक्टर के एन काटजू चिकित्सालय भोपाल, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल, इस तरह से आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 13 पोस्ट हैं काउंसलर की एंड एक पोस्ट है यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की। स्टेट रेफरेंस सेंटर चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, तो ये पोस्ट है आपकी भोपाल में। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है श्रेणी जिससे पद भरा जाना है, यानी कि किस हॉस्पिटल में कौन सी सीट है एवं किस कैटेगरी की सीट है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे जनरल कैटेगरी से है, तो कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति यहाँ पे सीट ले सकता है। एंड पद का नाम है, ये आपकी रिक्त पदों की संख्या। अब हम देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो लैब टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ग्रेजुएट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो आपका BSc MLT एंड साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे लिखा है अथवा में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी DMLT विथ मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आफ्टर डिप्लोमा, मतलब DMLT के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही वर्किंग में हैं ICTC, PPTCT, EIT सेंटर में रन अंडर द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो आप उनका एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वेतन 21,000 रुपये है। काउंसलर की देख लेते हैं। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, नर्सिंग विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग। ठीक है, यदि नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं तो नर्सिंग को विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन काउंसलिंग का सर्टिफिकेट। एंड यहाँ पे लिखा है एजुकेशन अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर नर्सिंग है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है काउंसलर की पोस्ट के लिए। एंड यहाँ पे कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और रखी गई है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग अंडर द नेशनल एड्स एंड STDs कंट्रोल प्रोग्राम NACP फैसिलिटी और कम्युनिटी सेटिंग। यदि आप पहले से नेशनल एड्स कंट्रोल STD कंट्रोल में काम करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज एंड स्किल आपको होना चाहिए। तो यदि आप काउंसलर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन क्वालिफिकेशन को केयरफुली रीड करें। 21,000 रुपये आपका मासिक वेतन है। अब हम बात कर लेते हैं
कि जैसे कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको अपना आवेदन उस डिस्ट्रिक्ट में भेजना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जिला चिकित्सालय दतिया, यानी कि आप जिला चिकित्सालय दतिया के लिए अप्लाई करेंगे एंड तो आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया के नाम पर अपना आवेदन पत्र भेजना होगा। इसी तरह अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको अलग अलग एड्रेस पर अपना आवेदन भेजना है। जैसे कि आप देख सकते हैं महिला चिकित्सालय सुल्तानिया भोपाल एंड स्टेट रेफरेंस सेंटर मेडिकल कॉलेज भोपाल, ये लैब टेक्नीशियन के लिए आपको अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल यानी कि गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन के नाम से आपको भेजना होगा। आवेदन की लास्ट डेट आपको पता है। तो अब हम देख लेते हैं कि यह वैकेंसी आपकी कहाँ से निकाली गई है। तो यह जो वैकेंसी है आपके मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। देख सकते हैं आपका ऑफिशियली विज्ञापन क्रमांक है एवं यह आपकी ऑफिशियली रिलीजिंग डेट अभी 14 नवंबर हाल ही में रिलीज हुआ है। ये जो वैकेंसी है आपके राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एसटीआई केंद्रों में रिक्त संविदा पदों पर 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो स्पष्ट होता है कि जो वैकेंसी है संविदा बेसिस की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, संविदा बेसिस है एंड अभी 31 मार्च 2023 की अवधि तक के लिए ये नियुक्ति है, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। संविदा अवधि को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। तो 99% बढ़ते ही हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र एसटीआई, यहाँ पर लिखा है आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो लैब टेक्नीशियन या फिर परामर्शदाता, ये आपका एसटीआई केंद्र का नाम या फिर यहाँ पर लिखा है संस्था एवं जिला। एसटीआई केंद्र का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये आपके एसटीआई केंद्र हैं जिला चिकित्सालय दतिया, महिला चिकित्सालय दतिया एंड इस तरह से आपको फिलअप करना है एंड संस्था एवं जिला आप भर सकते हैं, जैसे कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाहजहाँपुर, जिला शाहजहाँपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको संस्था एवं जिला भरना है, जिस संस्था एवं जिले के लिए आप फॉर्म भेज रहे हैं, ये आपका आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, आपका पत्र व्यवहार का पता, यानी कि यहाँ पर आपका फॉर्म आपका एड्रेस डाला जाएगा एंड ये आपका क्वालिफिकेशन, कार्य अनुभव, ये आपका हस्ताक्षर यहाँ पे घोषणा पत्र। तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। फ्रेंड्स ये था अपडेट, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।